गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज हमारी 2.2। 2.2 के टू पार्ट्स में हम 15 सवाल कर चुके हैं। ये 16 लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा रह गया था। इस वीडियो में हम उसे पूरा करके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर है हमारा 32। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 भी थी तो कुल 63 प्रतियोगी प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके 63 मेंबर्स हैं जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से जो जीते उनको 100 रुपीज़ दिए गए और जो जिन्होंने सिर्फ पार्ट लिया उन्हें 25 रुपये दिए गए। अब हमें निकालना क्या है, जिन्होंने 100 रुपये जीते हैं उनकी हमें संख्या निकालनी है। तो हमने पहले माना 100 रुपये की विजेताओं की संख्या कितनी है एक्स, और जिनको शेष प्रतिभागी जिनको 25 रुपये मिले हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि टोटल 63 थी। अब 63 में जब x वो लोग हैं जिन्होंने 100 रुपीज़ जीते हैं तो वो हमने माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई, 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x, क्योंकि इन्हें कितने मिले 25 और x को कितने मिले 100 रुपीज़। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 100x प्लस 25 को जब 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 175 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। एक्स एक्स वाले एक साइड ले लेंगे, 100x माइनस के 25x इक्वल्स टू 3000 माइनस के, जब ये हमारा 1575 इधर जाएगा, प्लस का है तो किधर क्या हो जाएगा, माइनस का 75। माइनस करेंगे 75x इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 गए 5, 9 बचे, 9 में से 7 गए 2, इधर कितने बचे 9, 9 में से 5 गए हमारे 4 और 2 में से 1 गया 1। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 1425 अपॉन 75। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 19, ठीक है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका, 100 रुपये की ताओ की संख्या 19 है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, 2.3। ये क्वेश्चन मैं रफ कर देती हूँ, बुक में निकालिए। जिस तरीके से हमने 2.1 की थी ऐसे ही हमारी क्या है 2.3 है। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, वही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, यही है। क्या करना है हमें, x x वाले वन साइड कर लेंगे, इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, कितना आया, 3 में से 2 गए, x बराबर 18, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, देखिए सेकेंड और थर्ड आपको ऐसे ही करने हैं। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में करती हूँ। फोर्थ क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 एक्स, जेड एक्स नहीं जेड है, जेड वाले वन साइड कर लेंगे और जो हमारे ये विदाउट अल्जेब्रिक वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4z माइनस के 2z
देखिए प्लस है इधर जाके माइनस इक्वल्स टू 6, ये इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, कितना आया 2z इक्वल्स टू 3। तो z बराबर कितना हो गया हमारा, z बराबर 3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और इधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से है, हम 6 करेंगे। आपको करने हैं ये, मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रही हूँ। 8x + 4 = 3x - 1 + 7, यही है हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8x + 4 = 3x, 3 के हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली, 3 + 7। आप क्या करेंगे, x वाले वन साइड और विदाउट x वाले वन साइड, तो 8x - 3x = प्लस का तो इधर जाके माइनस को हो गया। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस के कितने बचे 4। अब ये क्या है, प्लस के 4 है, तो इधर जाके माइनस के 4, तो हमारा क्या आया, यहाँ कितना बचा 5x = 0। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 0। चाहे आप फोन में कुछ भी जाए हमारा आंसर 0 ही रहेगा। चलिए 7 करते हैं। x = 45 x + 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x = 4/5 x + 4/5 × 10। 5 × 2 = 10, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या बचा हमारा, x = 4/5 + 4 × 2 = 8। बाकी का क्वेश्चन मैं इधर कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा x है, तो x वाले वन साइड कर लेंगे, x प्लस इधर माइनस को जाएगा 4/5 x = 8। अब हम एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा 5 5x - 4x = 8। हमारा बचा 5 में से 4 गए x, और ये इधर किस में डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8 × 5। x = 40, क्या आ गया हमारा आंसर x = 40। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3। ये लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, इसके बाद जो आपके 9 और 10 हैं वो आप अपने आप करेंगे, सेम इसी तरीके से है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये x वाला पद है इधर, ये x वाला है, इन दोनों को एक वन साइड ले आएंगे, और ये हमारा विदाउट x है तो इसे इधर ले जाएंगे। हमारा आ गया 2x / 3 + इधर तो इधर माइनस के 7x / 15 = 3 है प्लस का, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस के 1। अब हम इधर करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 15 का और 3 का, तो हमारा क्या आया 5 × 2x। जब एलसीएम लेंगे 15 को यहाँ रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, और 5 हमें यहाँ लिख दिया माइनस के, इधर 15 ही है, 15 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 7x = 2। 5 × 2 = 10x - 7x
अपॉन 15 टू 7, 10 में से 7 गए हमारे कितने बचे 3x, 15 इंटू 2 एक्स बराबर 13 अपॉन 3, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10। समझ में आ रहा है सभी को? देख लीजिएगा इसे एक बार। बाकी के जो दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं आपको खुद करने हैं होमवर्क में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।